हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, है ना। कल हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, आज सिंपल पास्ट टेंस पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, या जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो देखिए, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये मैंने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, है ना। अब आपको आइडेंटिफिकेशन में ये समझ में आना चाहिए कि पास्ट टेंस की पहचान क्या है ना। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें था, आए, थी, थे, तो थे, ता था, ते थे, या, ये, यो, आ, ए, है ना। अब आपको लगेगा कि अरे मैम ये क्या है। तो जैसे वह गाना गाता था, या उसने गाना गाया, तो लास्ट में क्या आया कि या, है ना, उसने गाना गाया। जैसे देखिए एग्जांपल में, आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, या आ रहा है ना, गया में या, है ना, आ की साउंड आ रही है, ठीक है। फिर देखिए, दे एट फूड, वे खाना खाते थे, तो ते थे, या वह जाता था, ठीक है। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस आएंगे तो वो आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा। वहां पे सिंपली आपको क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, है ना। इसमें देखिए ज्यादा कोई ऐसा रूल नहीं है, बस एक ही चीज इसमें है कि जब हम पास्ट एक्शन की बात करेंगे, जो कि वो एक्शन जो पूरा हो चुका है ना, तो उसके लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि रीच्ड, रीच की सेकेंड फॉर्म क्या है, रीच्ड, रीच मीन्स पहुंचना, रीच्ड मीन्स पहुंचा, यानी कि वो पहुंच चुका है। वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म, ईट का एट, और वोक ना, वेकअप का वोक, ठीक है, यानी कि सोकर उठा, सोकर उठना, और वोक मीन्स उठा, जागना। क्लियर, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बस मैंने क्या कहा था कल कि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो वो ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी बाकी टेंसेस इतने डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, है ना। देखिए मैंने कल बताया था ना, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब हम एक बार सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट कर देंगे तो हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, फिर हम वहां पर बार बार सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट नहीं कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम डिड नॉट का यूज कर रहे हैं तो हमारा वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया। वी डिड नॉट राइट अ लेटर, हमने पत्र नहीं लिखा, है ना। इसके रूल्स कुछ इस पे ज्यादा वैसा नहीं है, बस एक नजर देखिए याद हो जाएगा कि डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड प्लस नॉट का यूज होता है ना। यानी डिड क्या है, डू और डस का सेकेंड फॉर्म डिड है। जैसे कि हमने पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने डू और डस का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाया था, तो सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस हम डिड का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। डिड किसकी सेकेंड फॉर्म है, डू या डज की, क्लियर। और डिड का यूज हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का रोल ही नहीं है। मैंने कहा था ना कि प्रॉब्लम किस में आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आप लोगों को थोड़ा सा इशू होगा। सिंपल पास्ट टेंस में सेम रूल है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी होगा आप उसमें डिड नॉट का ही यूज करेंगे, क्लियर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, है ना। अभी बी टाइप सेंटेंस की भी हम लोग बात करेंगे, पहले इसको देखिए। सेंटेंस ऑर्डर क्या होगा इसका, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। रूल्स देख लीजिए, पहले क्या से शुरू होने वाले क्वेश्चन में हम डिड से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, और डिड इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि डिड का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, है ना। तो डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया। डिड दे ईट फूड, क्या वे खाना खाए। डिड यू गो फॉर आउटिंग, क्या तुम घूमने गए। डिड शी राइट द लेटर, क्या उसने पत्र लिखा, है ना। तो इस तरह का जब सेंटेंस होगा तो हम डिड का यूज करेंगे, यानी कि पहले डिड आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर उसमें कोई और अदर वर्ड है तो हम उसका यूज करेंगे, है ना। जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऐसा कुछ है तो हम उसका यूज करेंगे अदर वर्ड की तरह, क्लियर। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए,
डिड शी नॉट राइट द लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा। डिड ही नॉट गो देयर, क्या वह वहां नहीं गया। इसके रूल्स में बस मैंने ये चीज लिखा है कि डिड के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट का यूज करते हैं, है ना। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, मतलब कि क्वेश्चन में पूछ रहे हो और उसमें निगेटिविटी भी हो, तो हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का यूज करके अपना सेंटेंस बनाएंगे, है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होगी, बाकी सब में हम डिड का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं, रूल देखिए इसका, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे वेयर व्हेन हाउ व्हाट व्हिच हुम एटसेट्रा, है ना। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से, है ना, यू डब्ल्यू एच टाइप होते हैं, फिर प्लस डिड, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। तो व्हेन डिड यू गो देयर, तुम वहां कब गए। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। वेयर डिड शी लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में कहाँ रहती थी। आया समझ में। देखिए इसमें सभी में क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो सेंटेंस के बीच में आए हैं, कब, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, है ना। तो इस तरह के जब वर्ड्स होंगे तो हम डब्ल्यू एच से स्टार्ट करेंगे, फिर वहां पर डिड का यूज नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, डिड फिर हमारा क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में आएगा। बाकी देखिए सेम स्ट्रक्चर है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्लियर। सो सिंपल पास्ट टेंस बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत ही इजी है ये, है ना। ये समझ लोगे तो इसमें फिर कोई इशू नहीं रह जाएगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।